1, 2, 3 झूले 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 मजानी लाइफ रेत उसका क्या करते हो? सुरंग बनाते हो, घर बनाते हो? पता नहीं अभी सुबह 5:30 बजे ये क्या करने जा रहे हैं। देखो कुछ रेत का कुछ बना रहे हैं, इधर ये भी और पीछे उधर भी। और अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे से एक गलती हो गई है। कल मेरी फर्स्ट टाइम कैंपिंग थी तो गलती चलो ठीक है अब हो तो गई है, पर पता नहीं क्या होगा उसका सोल्यूशन। गलती दिखाता हूँ मैं पहले, ये देखो रात को हुई है बहुत ही ज़्यादा बारिश, आप देख सकते हो पानी देखो कितना है। ये देखो तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरे जो शूज़ हैं वो भीग गए हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बाहर रखे हुए थे और उनकी वाट लग गई है। मेरे पास और कोई शूज़ नहीं है राइड करने के लिए, और अब राइड में कैसे करूँगा मैं ये सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बट यहाँ का जो सुबह का वेदर है, आप फोग देखो पीछे कितना सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। पूरा फोगी है, इधर रिवर चल रही है, इधर अपना टेंट है, इधर इधर एक किचन है, बाकी सब सीन से एकदम सॉर्टेड है। और एक बार मैं आपको नदी की आवाज़ और सुना देता हूँ। नदी के ऊपर भी देखो सारी की सारी फोग है, पानी के ऊपर इतनी ज़्यादा फोग रखी है, पूरी रात बारिश हुई है दबा के। मैं माइक अब रिवर की साइड पर कर रहा हूँ और रिवर की आवाज़ सुनो। सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म, वेलकम यू टू द अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ चितकुल। लुक एट, लुक बिहाइंड मी, चुम्बेश्वरी। यहाँ पे चल रही है अभी एडिटिंग, उधर सब एंजॉय कर रहे हैं, धूप निकल आई है तो शूज़ मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए। पूरा उनका सारा अंदर से उनका जो फोम होता है फोमिंग निकाल के शूज़ यहाँ पे रख दिए गए हैं। और अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं और अभी पहले एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करके अभी 360 की चल रही है, फिर पूरी वीडियो की एडिटिंग चलेगी तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा नाको, शायद अभी कुछ प्लान नहीं है पक्का कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ या मैं नाको जाता हूँ, तो देखते हैं जो भी बनता है। ठीक है, ऊपर पक्का चॉकलेट। ये क्या कर रहा है? क्या हाँ चॉकलेट सबको मिलेगी, ये मत छेड़ो। झूले 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 झ
चॉकलेट से ज्यादा मजा आया? चॉकलेट से भी बाइक में मजा आया। बाइक में मजा आया ना चॉकलेट से ज्यादा? हाँ। ये देखो ये रही। ये कहाँ ले जा रहा है? हाँ? ये यहीं का रास्ता है, ये हिमाचल का। यही बाइक चल रही है? हाँ यही है। मैंने चला जो यही है। हाँ यही वाली है। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और बाइक भी चलाता हूँ। अच्छा 1 2 3 झूले 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 झूले। क्या हो गया क्या हो गया? दोपहर के 12:15 हो चुके हैं और जो मेरे साथ के यहाँ पे जो रह रहे थे वो सारे जा चुके हैं और सारा खाना वाना भी सुबह उन्हीं ने बनाया, सारी चीज़ें कल रात को मैंने उन्हीं के साथ खाया था। अब वो चले गए हैं, मैं अभी एडिटिंग में लगा हुआ हूँ, तो अभी एडिटिंग वगैरह करके उस मैं भी खाना वाना बनाऊँगा। आज मेरे को बनाना पड़ेगा, कल तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। और प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं आज यहीं पर रुक रहा हूँ। मेरे को जाना तो था बट अभी मैं नहीं गया हूँ आगे, क्योंकि मेरे अभी शूज़ अभी गीले हैं, वो भी सूख रहे हैं और मैं अभी काम वगैरह में भी लगा हुआ हूँ, तो इसीलिए अभी 1:37 हो गए और मैं अभी नहाने जा रहा हूँ यहीं पे। मैंने अभी इसके एक रोड लेके पानी वानी गर्म किया, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी मेरा टेंट वगैरह लगा हुआ है, बहुत देर से एडिटिंग में लगा हुआ था मैं। अब कपड़े वगैरह निकाल के तैयार हूँ, थोड़ी देर थोड़ा सा नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊँगा, फिर आराम से खाना वाना बनाएंगे। यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म। आज मज़ा आ रहा है, मतलब कि हिमाचल की लाइफ जीने का एक अलग ही मज़ा है और यहाँ पे एक अलग ही मज़ा आ रहा है इनके साथ जीने में। एक्सपीरियंस है ये भी लाइफ के, मेरे को मौका मिला है हिमाचल की लाइफ जीने में, तो जी रहा हूँ मैं। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हो ये बिल्डिंग, ये स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पे शायद गवर्नमेंट स्कूल है, सारे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ, बस जल्दी से कपड़े वगैरह सुखाने डालता हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड लग रही है गर्म पानी से नहाने के बाद। यहीं पीछे इन्होंने मेरे को एक वॉशरूम यूज़ करने के लिए दे रखा है टेंट में, तो इसीलिए यहीं पे नहा लिया और अपना टेंट तो उसके सामने ही लगा ही हुआ है बस। फाइनली अपनी अंडा मैगी तैयार है, आइए शुरू करते हैं। पहाड़ों में मैगी खाने का मजा ही ऑसम। सो यमी यार, सो यमी। ये ऐसे पूरा नदियों को देखते हुए खाना, पूरे पहाड़, अमेजिंग फीलिंग है यार। जानी लाइफ। अभी यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है, इसलिए मैंने अपना टेंट तो मेरा अभी वहीं पे ही है और मैंने अपना बाकी का लैपटॉप वगैरह मैं यहाँ पे ले आया हूँ, जिसमें मैं अभी मेरे को काम करना था,
इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए किचन से वायर डालनी पड़ती है टेंट की तरफ, तो वो अब बारिश में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बारिश में फिर अगर मैं वायर डालता तो मेरे को अपना टेंट की एक जिप खोलनी पड़ती और जिप मैं खोल नहीं सकता क्योंकि अंदर फिर पानी आएगा, तो इसलिए मैंने अभी इनके टेंट के अंदर आ गया हूँ। अगर रात को बारिश रुकती है तो वापस मैं अपने टेंट में चला जाऊँगा, नहीं तो आज रात को मेरे को यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर भी बारिश हो जाती है, कोई मौसम नहीं है, ऊपर देखो कैसे हाल है, बिन मौसम बरसा आता है यहाँ पे। पर खैर बिन मौसम तो क्या ही कहेंगे, सुबह से बारिश जो हो रही है ना, जिस तरीके से मतलब कि मौसम था उस तरीके से बारिश होनी बिल्कुल ही 100% श्योरिटी थी कि आज तो बारिश होएगी। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि मैं सुबह नहीं बता पाया था, मैंने बाद में इनसे पूरा कंफर्म किया है कि ये करते क्या है। सुबह आपने देखा होगा जब लोग की स्टार्टिंग हुई थी कि वो यहाँ से कुछ मिट्टी निकाल रहे थे, सारे लोग यहाँ पे आते हैं सुबह और वो क्या होता है मिट्टी खोदने वाला जो होता है, इसका नाम भूल गया हूँ मैं, उसे यहाँ से मिट्टी निकालते हैं, तो उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पीछे जो आप रिवर देख रहे हो मेरे पीछे, बसपा वैली के अंदर ये बसपा रिवर है, ये आगे जाके सतलुज में कन्वर्ट होती है, तो इसके अंदर जब ये रात को जब वाटर फ्लो एकदम से बढ़ता है तो पानी इधर उधर आना शुरू हो जाता है, तो जब इधर उधर आता है तो कुछ पानी मतलब कि ये जो नीचे की जो जगह थी, जो भी आपने जब मैं रिवर में गया होगा तो आपने देखी होगी, तो वहाँ पे जो पानी में से जो रेत आती है वो वहाँ पे रह जाती है, क्योंकि सुबह वो पानी वापस चला जाता है रिवर के अंदर, तो वो जो रेत रह जाती है उस रेत को ये निकालते हैं। जो रेत है वो रेत नहीं है बल्कि उसको सिल्वर से कलर की, या तो वो सीमेंट है और या फिर क्रेशर जो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों सीमेंट है, और वो ऊपर सप्लाई होती है और ऊपर वाले लोग जो भी ऊपर रहते हैं जो कुछ भी आगे सप्लाई होती है वो सारे उनसे घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कुछ भी अपना कैफ़े या कुछ भी एनीथिंग एट्सेट्रा, उसके लिए मेहनत ये लोग करते हैं। तो ये थी उसकी पीछे रियल स्टोरी। वो कहते हैं ना कि यार जब तक आप उस खूबसूरती में रहते नहीं हो और उस जगह पे रहते नहीं हो, आज जैसे देखो मैंने आज का मैंने दिन पूरा अपना यहाँ पे स्पेंड किया तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, नहीं तो आज तक मेरे को कुछ पता ही नहीं था ये ऐसा तो कुछ कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो मैं कल भी था यहाँ पे कल भी नहीं पता चला, इससे पहले भी मैं आ चुका तब भी नहीं पता चला। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये सिर्फ गर्मियों में होता है, सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे सारी स्नो होती है, जितना आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे 4-4 फीट स्नो होती है। मैं सर्दियों में आया हूँ तभी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैंने हड़बड़ी में उठाई हैं पीछे से सब कुछ, और मेरे बर्तन वगैरह मैंने अभी अंदर उनकी किचन के अंदर रख दिए हैं, अभी बाद में धोऊंगा आराम से जब भी बारिश रुकेगी, अभी तो रुकने का कोई चांस नहीं है। अभी रात के 8:30 हो गए और अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि बाहर बारिश होने की वजह से मैं अभी खाना वाना नहीं बना रहा हूँ, और मैं अभी भैया के टेंट में आ गया था और भैया ने मेरा खाना भी बना दिया दाल राइस। भैया कह रहे हैं कि टेंट भी अपना उठा लो, सामान वगैरह भी समेट लो क्योंकि आपको सुबह निकलना तो है ही, तो अपना टेंट उतार लो क्योंकि रात को फिर बारिश आएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ही रह लो एक रात। तो कोई बात नहीं, हम आज मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, पहले खाना वाना खाते हैं भैया के साथ, उसके बाद टेंट वगैरह अपना उतारते हैं और यहाँ पे शिफ्ट करते हैं सारा सामान, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 8:30 तो हो चुके, अराउंड 10 बज जाएंगे। वीडियो एडिटिंग मैं कर रहा था और वो भी अभी थोड़ी सी रह गई एडिटिंग, और सिर्फ कलर ग्रेडिंग और म्यूजिक वगैरह थोड़ा बहुत रह गया, बैकग्राउंड वगैरह और साउंड इफेक्ट्स बस, बाकी सारे विजुअलाइजेशन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और तो अब चलते हैं बाहर और काम शुरू करते हैं। हाय, कौन सा हिसाब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, क्या पढ़ते हो? क्या राइटिंग सुधार रहे हो? देखो क्या हिंदी है, ये नेपाली है, ये नेपाली है। अच्छा, तो इतनी तो अच्छी है, और कितनी सुधारोगे? और सुधारना पड़ेगा, उससे क्या होएगा? नेपाल जाके एग्जाम दोगे? नेपाल जाके नौकरी मिल जाएगी? तो यहाँ इंटरव्यू दे दो, फिर वहाँ पे देना। ऐसा काम नहीं करूँ, क्यों शर्म आता है? है स्प्लेंडर, ये आप, आपका नाम क्या है? अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से सारा टेंट वगैरह काम खत्म है, बट मैंने सब कुछ
बारिश आने से पहले पहले सारी चीज़ें डिसमेंटल कर दी हैं और अपने सेट कर दिया है बहुत ही मुश्किल से। भैया ने मेरी हेल्प कराई है, सूर्य ने, और जो भी मेरा सामान था सारा किचन के अंदर है। बाकी जो मेरी ज़रूरत का था वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ, जैसे कि लैपटॉप कैमरा और मेरा टैंक बैग और नथिंग एल्स। सारा का सारा सैडल बैग दोनों और टेल बैग दोनों चीज़ें वहीं पे हैं। सुबह मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा। अब मेरे को एक टेंशन ख़त्म हो गई है, कल मेरे को टेंट नहीं उतारना, कल मेरे को सीधा यहाँ से निकलना है अपना सामान माउंट करके ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट लोकेशन पे। तो आज का व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और आज का दिन मैंने हिमाचल के अंदर स्पेंड किया, तो मुझे तो देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता नहीं कैसा लगा होगा पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और व्लॉग का अगर कोई पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। बाय बाय।